अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही टेस्टी चिकन बर्गर की रेसिपी शेयर कर रहे हैं और फ्रेंच फ्राइज जो घर में हम बनाए थे बहुत ही टेस्टी बने थे और बहुत झटपट बन गए थे। चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम ये फ्रेंच फ्राइज जो बनाए थे उसकी रेसिपी शेयर करेंगे। इसके लिए हम ये 6 आलू लिए हैं, इसको छील कर इस तरह से कट करके लिए और इन आलू को धो के एक साइड रखेंगे और दूसरे साइड एक बर्तन लेंगे और इसमें पानी को गर्म करेंगे। इसमें नमक डालेंगे, जब पानी उबलने लगे तो ये आलू के पीसेस इसमें डाल देंगे और 2 मिनट तक बॉईल करके ठंडे पानी में डाल देंगे और उसके बाद छन्नी में निकाल लेंगे और फ्रीजर में रख देंगे। और अब दूसरे साइड हम चिकन बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को में नमक डालकर बॉईल करके लेंगे और मटर भी लिए हैं 1 कप, थोड़ा सा बॉईल करके लेंगे। और अब एक बड़े से बर्तन में जो उबले हुए मटर थे वो ऐड करेंगे और चिकन को मिक्सर में थोड़ा सा श्रेडेड बना लेंगे और वो भी ऐड कर देंगे। और उसमें 4 आलू को बॉईल करके मैश करके लेंगे इस तरह से। घर की चीज़ों से ही ये हम बर्गर बनाए थे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम घर के ही मसाले ऐड किए थे। 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच नमक भी ऐड करेंगे और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर भी ऐड करेंगे और 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और नमक पहले डालना भूल गए थे इसलिए अभी ऐड किए और अच्छे से मिक्स करके एक साइड रख देंगे। इसके बाद घर में जो ब्रेड थे हम उसी को मिक्सर में पीस कर ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। और अब एक प्लास्टिक का ढक्कन लेकर हम इसके साइज़ की पैटी बनाएंगे। ये देखिए, पहले ढक्कन में हम थोड़ा सा तेल लगाए थे और उसके बाद इस तरह से शेप देने के लिए ये ढक्कन का इस्तेमाल करके इस तरह सारी पैटी चिकन के बनाकर इस तरह रखे हैं और थोड़ी देर के लिए इसे फ्रिज में रख देंगे। और दूसरे साइड अभी एक बाउल लेंगे, इसमें 4 चम्मच मैदा और 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे और मिक्स करके इसमें 1/2 चम्मच नमक और 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड करके पानी का डालकर एक घोल बना लेंगे। बहुत ज़्यादा घोल, गाढ़ा घोल नहीं बनाना है। ये देखिए, मैदे का घोल भी रेडी है और ब्रेड क्रम्स रेडी हैं और ये बर्गर के चिकन बर्गर के पैटी भी रेडी हो गए थे। अब इस तरह से इसमें घोल में ऐड करेंगे एक एक पैटी को और उसको ब्रेड क्रम में डालकर दोनों साइड से लगा लेंगे ब्रेड क्रम। और एक कढ़ाई में तेल को, कढ़ाई या पैन भी ले सकते हैं, इसमें तेल को बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे गरम नहीं करना है, मीडियम ही गरम कर के फ्राई करना है इस तरह से। ये देखिए आप, बहुत ही टेस्टी ये चिकन बर्गर बन तैयार हुए थे। और दूसरे साइड हम फ्रेंच फ्राइज भी बनाने के लिए एक कढ़ाई में तेल डाले हैं। तेल गर्म होने के बाद 2 मिनट के लिए हम पहले ये फ्राइज फ्राई करके लेंगे आलू के। 2 मिनट का टाइमर लगाए थे और फ्राई करके मीडियम हाई फ्लेम पे ही हमें फ्राई करना है। इसके बाद हम निकाल लेंगे सारे आलू के फ्राइज को और इसको हमें दोबारा फिर से फ्राई करना है, तभी इसमें ये कुरकुरापन आ जाता है, बहुत कुरकुरे बन जाते हैं और गर्मा गर्म खाने में भी ये टेस्टी लगते हैं। और ये देखिए इस तरह से हम डबल से इसे फ्राई कर रहे हैं। और अभी ये सेकेंड टाइम
हाई फ्लेम पे हमें फ्राई करना है, लो फ्लेम पे आप फ्राई न कीजिए। ये देखिए इस तरह से गर्मा गर्म ये आलू के फ्राइज बन के तैयार हुए थे, और दूसरे साइड पैटी भी बने थे चिकन के, और बर्गर के बन हम बाहर से लेकर आए थे। हमारे यहाँ जिस तरह के मिलते हैं हम वही खरीद के लाए थे। अब इसके लिए एक सॉस बना रहे हैं। इसमें 4 चम्मच हम टोमेटो केचप ऐड किए हैं, और 3 चम्मच मायो है ये मायोनीस, और 2 टेबलस्पून इसमें रेड चिली सॉस, और तीनों को अच्छे से मिक्स किए हैं। ये देखिए बर्गर के बन हमारे यहाँ इस तरह के मिलते हैं। इस पर ये सॉस लगा देंगे दोनों साइड, और इस पर एक पैटी रखेंगे, और प्याज टमाटर रखेंगे, और चीज़ मोज़रेला चीज़ था ये, ऐड करके हम इस तरह से होममेड चिकन बर्गर और फ्रेंच फ्राइज बनाए थे, और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी ले आए थे। इस तरह से बहुत ही टेस्टी झटपट होममेड बर्गर बनके तैयार हुआ था। आई होप आप लोगों को आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।